गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महादेवी वर्मा। महादेव जी कहती है कि महादेवी की पीड़ा के स्रोत क्या है। इसमें देखिए, महादेवी जी ने स्वयं लिखा है कि अपने दुखवाद के विषय में भी वह कह देना जान पड़ता है। सुख और दुख की धूप छाही रंगों के डोरों से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही गिनते रहना क्यों प्रिय है, यह बहुत लोगों के आश्चर्य का कारण है। इस क्यों का उत्तर दे सकना मेरे लिए किसी समस्या से सुलझा डालने से कम नहीं है। संसार साधारणतः जिसे दुख और अभाव के नाम से जानता है वो मेरे पास नहीं है। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है, उस पर पार्थिव दुख की छाया नहीं पड़ी। कदाचित वह उसी की प्रक्रिया है कि मुझे बहुत प्रिय लगने लगी। उनकी विद्रोह अग्नि नारी जनोचित शील और संयम से अछांदित है। वे इसी आग में जलती रही। कभी कभी इस आग की चिंगारियां और लपटें भी दिखाई पड़ जाती हैं। जलना उनके जीवन का पर्याय बन गया। ये जलना उनका अपना भी है और शताब्दियों से प्रतिबंधों में जकड़ी हुई नारी जाति का, विशेषतः मध्यवर्गीय नारी जाति का है। उन्होंने कहा है कि तोड़ दो यह स्थिति, मैं भी देख लूं उस और क्या है। यह भक्ति बार बार आती है, इसे ध्यान रखिएगा। सांसों की समाधि सजीवन महादेवी जी के काव्य संग्रह है। निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत और दीप शिखा, पहले चार संग्रहों को यामा में संग्रहित किया गया है। इस तरह उनके दो संग्रह हुए, यामा और दीप शिखा। यामा अंधकार है और दीप शिखा प्रकाश की मध्यम लौ। कहने का तात्पर्य यह है कि आरंभिक कृति यामा है और अंतिम कृति दीप शिखा। सब मिलाकर उनके गीतों की संख्या 226 है। निहार में कितना अस्थिर है, संसार में आत्मलाभ करती हुई महादेवी जी कहती है कि जब ना तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुष्य निस्सार को। उनका जीवन सिकता की अंकित रेखा सा और वात विकम्पित दीप शिखा सा है। तम का भयानक विस्तार देखिए। पावस की निशी में जुगनों का जो आलोक असीम विस्तार, इस आभा में लगता तम का विस्तार। करुणामय हो को भाता, करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना है। नव की दीपावलियों क्षण भर को बुझ जाना। सुख दुख के विभाजन रेखा को खींचते हुए कहती है कि मैं मधु हूँ, मुझे पतझर का क्या नाता। इस दुख दुख के पद छू बहते झरझर कणकण में आंसू, निर्झर हो उठता जीवन उर्वर। अब आंसू सृजनात्मक भूमिका निभाता है, वेदना के बाहर भी झांक लेती है। देखो क्या कहा है, कह दे माँ अब क्या देखूं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को। उनकी कविताओं की अनुभूतियों में नैतिक वक्तव्यों द्वारा पूरी होती है। इसमें देखिए क्या है, विरहानुभूति मृत्यु अंधकार होता है, कविता को प्राणवंत बना देती है। चाहे वह निर्जा का विरह हो, का जलजात हो या सांध्य गीत का प्रिय। दार्शनिक स्वर का परिचय देते हुए महादेवी जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, कृदंत में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते। यह इम्पोर्टेंट से एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्मरण करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि नारी के हृदय में जो गंभीर ममता सजल वीर भाव पैदा होता है वह पुरुष के उस शौर्य से अधिक दिव्य और उदात रहता है। पुरुष अपने व्यक्तिगत या समूगत राग देश के लिए भी वीर धर्म अपना सकता है और अहंकार की तृप्ति मात्र के लिए भी, पर नारी अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए या अपनी कल्याण दृष्टि की रक्षा के लिए ही रुद्र बनती है। महादेवी जी ने कहा कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले या प्रलय के आंसुओं में मौन अस अलक्षित व्योम रोले। थैंक यू।